उत्तर प्रदेश अमेठी जनपद से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता दें कि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। साथ ही आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया। पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली का है। उधर अमेठी से दूसरी बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर पिता का शव लेकर लखनऊ से प्रतापगढ़ जा रही सफारी अचानक से पलट गई। आपको बता दें कि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। आपको बता दें कि ये भी मामला कोतवाली जगदीशपुर का ही बताया जा रहा है। फिलहाल अमेठी के लिए विनोद तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं बाराबंकी जनपद में इंतजार खत्म हो चुका है और आज से ही नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में भाई साहब पुलिस प्रशासन ब्लॉक से लेकर कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग के साथ भारी संख्या में तैनात है। लगातार बसें भी चलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस दौरान बैरिकेडिंग से रास्ते में काफी जाम की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।